नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मेरा नाम युवा है, और जो लोग नहीं जानते उनके लिए स्पेशल से मेरा नाम है युवा। आप देख रहे हो एक्सप्लेनेशन डॉट ओ। होप करता होगा सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। सॉरी, मेरी वीडियोस लेट हो रही हैं, जिसके लिए मुझे क्षमा प्रदान करें, क्योंकि मेरे एग्जाम्स चालू हैं। क्योंकि मैं अगर जो एग्जाम्स में अपने फेल हुआ तो मुझसे मेरी भारतीय होने की नागरिकता छीन ली जाएगी। तब तक के लिए इसी सीरीज से काम चला। 17 तारीख को मेरे एग्जाम्स खत्म होंगे, 18 तारीख को मैं रेस्ट लूंगा, और 20 तारीख के आसपास मैं आप लोगों को नैनो मशीन की सीरीज में डालना चालू कर दूंगा। तो चालू करते हैं। जहाँ पर कुंगयू अपने मास्टर से बोल रही होती है, मास्टर मैंने अपने हस्बैंड से वादा किया था कि मैं उनके ग्रैंडपा और उनके लिटिल आंट को प्रोटेक्ट करूंगी। हालांकि ये सुनकर एनवी को अपने प्लान पर पानी फिरते नजर आता है, और यहीं से हमारी स्टोरी चालू होती है। और ये सुनकर कुंगयू की मास्टर बोलती है, कुंगयू इस मैटर से फ्रोजन का ड्रीम प्लेस का दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। रही बात यहाँ पर आने की, तो मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। जिसकी बात सुनकर एनवी के तो मन में मानो लड्डू ही फूट जाते हैं। कुंगयू तुम्हारी मास्टर सही बोल रही है, जल्दी से इनके साथ चली जाओ तुम यहाँ से, और इसके बाद लिंक्षी के साथ जो होगा वो मैं देखूंगा। पर कुंगयू अपने मास्टर चू के सामने झुक जाती है और उनसे बोलती है, प्लीज मेरी बात मानकर मेरी हेल्प कीजिए, बदले में आपकी इस काइंडनेस के लिए मैं वापस जाकर बहुत अच्छी तरीके से कल्टीवेशन करूंगी। इसकी बात सुनकर मास्टर चू बोलती हैं, कुंगयू ये तुम क्यों कर रही हो, फ्रोजन काउट इमॉर्टल आर्ट को कल्टीवेट करने के लिए फ्रोजन हर्ट होना चाहिए, और फ्रोजन हर्ट में किसी भी तरीके की फीलिंग्स नहीं होती है। और रही बात ची की, जिसके लिए तुम इतना कुछ कर रही हो, वो तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ नाम का पति है। पर कुंगयू उनकी बात ना मानते हुए एक धुन में बोलते जा रही होती है, प्लीज मास्टर मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए। और कुंगयू के इतने इंसिस्ट को उनकी मास्टर मना नहीं कर पाती और मान जाती है। पर तभी पीछे से युनलोंग मास्टर चू से बोलता है, मास्टर चू पहले आप यहीं पर रुक जाइए और मेरी बात सुन लीजिए। मास्टर चू, लिंगशी हमारी फैमिली में से एक है, और इसके ऊपर चोरी का दोष है, और ये मैटर हमारी फैमिली का है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको हमारे जैसी छोटी फैमिली के फैमिली मैटर में आपको पढ़ना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी रेपुटेशन गिर सकती है। सो प्लीज इसके बारे में एक और बार सोच लीजिए। जिसकी बात सुनकर ग्रैंडपा उसके ऊपर गुस्सा करते हुए बोलते हैं, युनलोंग तुम्हें मालूम है कि ये फैमिली मैटर है, पर तुम लिंगशी के बारे में ऐसा कैसे बात कर सकते हो? लिंगशी भी हमारी फैमिली का एक पार्ट है, और तुम अपनी फैमिली को इस तरीके से नीचा दिखा रहे हो, क्या तुम सच में जियाओ फैमिली के मेंबर भी हो? जिसके जवाब में युनलोंग बोलता है, मैंने ये सब सिर्फ इंसाफ के लिए किया, भले ही इसकी जगह पर कोई और होता लेकिन मेरा फैसला सेम होता। पर अपने मन में सोच रहा होता है, फिफ्थ एल्डर मुझसे ऐसी बातें करने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं ठहरा बेशरम, मुझ पे इनका असर नहीं होगा, और जब तक मेरे पास चांस है कि मैं ज़ियाओ क्लैन में एंटर कर सकता हूँ, मुझे किसी की भी चिंता नहीं, यहाँ तक लिंगशी की भी नहीं। और जिसकी बात सुनकर मास्टर चू बोलती है, अपनी बकवास बंद करो, तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं पीछे खड़ी होकर तुम लोगों को देखती रहूंगी कि तुम एक इनोसेंट लड़की को बुली करते रहो? और अगर जो मैं इसमें घुसने की कोशिश करूं, क्या तुम्हारे पास हिम्मत है कि तुम मुझे रोक पाओगे? और यहां से सीन चेंज होकर अजूरे क्लाउड कॉन्टिनेंट की गलियों पर आता है, जहां पर ची अपनी ज़ियाओ फैमिली को छोड़कर वहां से जा रहा होता है, पर वहां के लोग उसको देखकर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, लेकिन ची की उनके लोगों की बातों पर जरा सा भी ध्यान नहीं होता, और वो अपने मन में सोच रहा होता है, युनलोंग तुमने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी, जब तक तुम मुझ पर थे तब तक तो ठीक था, लेकिन तुमने मेरी लिटिल आंट को पॉइंट कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुमने एनवी को प्रोवोक किया कि वो लिटिल आंट के ऊपर अटैक करे, तुमने मुझे मजबूर किया कि मैं अपनी शादी को तोड़ दूं, तुमने मुझे मजबूर किया कि मैं ज़ियाओ फैमिली को छोड़ दूं, यहां तक तो ठीक था कि तुम मेरे पर थे, पर तुमने सबके सामने मेरे ग्रैंडफादर को इंसल्ट किया, यहीं पर तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी। और अपने पास से वही दो हर्ब्स निकालता है जो हर्ब्स उसको उसके फैमिली के बगीचे में मिली थी, और वो हर्ब्स अपने हाथों में लेकर बोल रहा होता है, आज मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारी मौत से भी ज्यादा बदतर बना दूंगा, मैं तुमको इस तरीके से मारूंगा कि तुम मरना चाहोगे पर मरोगे नहीं। और सीन से जुड़कर ज़ियाओ फैमिली के एंट्री गेट पर आता है, जहां पर दो गार्ड बात कर रहे होते हैं, आज का दिन बहुत ज्यादा खराब था, पर आखिरकार हमने उस थीफ को पकड़ लिया। मतलब यहां पर लिंगशी की बात हो रही है कि लिंगशी को इन लोगों ने पकड़ लिया है, जिसमें से एक गार्ड बोलता है, क्या तुमको सच में लगता है कि लिंगशी चोर थी? इसके जवाब में वो दूसरा गार्ड बोलता है, अब इतने भी सीधे बनने की कोशिश मत करो, तुम्हें भी पता है एनवी साफ साफ नाटक कर रहा था और फंसाने की कोशिश कर रहा था, उसने लगभग उसको एक्सपोज कर दिया था। जिसके जवाब में दूसरा वाला पूछता है, अगर जो युनशी ने उसको पूरा एक्सपोज कर दिया होता तो फिर क्या होता? दूसरा वाला बोलता है, अगर जोची ने उसको पूरी तरीके से एक्सपोज भी कर दिया होता तभी भी लोग एनवी का ही पक्ष लेते, क्योंकि एनवी के पीछे उसका ज़ियाओ क्लैन है, यहां तक इमॉर्टल फेरी ने भी कोशिश की उसको बचाने के लिए, उसमें वो नाकाम रही, और उनके सामने खड़ा युनशी उनकी सारी बातें सुन रहा होता है, जो उन हर्ब्स को खाकर एकदम इनविजिबल हो गया था। और हमें युनशी को दिखाया जाता है जो अपने मन में सोच रहा होता है, इस स्टार कंसीलिंग ग्रास का फायदा ये है, ये मुझको पूरी तरीके से इनविजिबल कर सकती है, पर इसमें एक रिस्क है कि ये 2 घंटे बाद अपना काम करना बंद कर देती है, तो मेरे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, मुझे जितना कुछ करना है इन्हीं 2 घंटों में करना पड़ेगा। और वो जाते वक्त अपने मन में सोच रहा होता है, क्योंकि उन्हें सच में अपना प्रॉमिस निभाया। हालांकि वो लिंगशी को पनिशमेंट से नहीं बचा पाई, लेकिन उसने लिंगशी को एनवी के हाथों में नहीं जाने दिया। और इस तरफ युनलोंग काफी ज्यादा नशे में ज़ियाओयन के साथ, और ज़ियाओयन उसको उसके रूम तक छोड़ने के लिए जा रहा होता है, जहां पर ज़ियाओयन युनलोंग को उसके रूम में छोड़ देता है। और युनलोंग ज़ियाओयन से बोलता है, भले ही लिंगशी को फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल प्लेस की फेरी ने बचा लिया हो, पर उनकी प्रोटेक्शन टेम्पररी है, क्योंकि फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल प्लेस अपनी पूरी जिंदगी भर लिंगशी को बचाता नहीं रहेगा। जिसकी ये बात सुनकर ज़ियाओयन तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और वो युनलोंग से पूछता है, बड़े भैया क्या आपके पास सच में कुछ बड़ा करने के लिए है? जिसके जवाब में युनलोंग बोलता है, बिल्कुल, अगर जो मेरे पास कोई प्लान ही ना होता तो मुझे एनवी सेलेक्ट ही क्यों करता, मैं 1 साल बाद एनवी को वापस इसी फैमिली में लेकर आऊंगा, और जो कुछ करना है उसको वो लिंगशी के साथ कर सकता है, बदले में मैं ज़ियाओ क्लैन में एंटर कर लूंगा, लिंगशी का कोई चांस ही नहीं कि वो हमसे बच के चली जाए। और ज़ियाओयन जिसकी बात सुनकर बोल रहा होता है, बड़े भैया आपका प्लान काफी ज्यादा अमेजिंग है। यहीं पर सीन चेंज होता है, जहां पर ज़ियाओयन युनलोंग को वहां पर अपने बेड पे सुलाकर वहां से चला जाता है।
है, पर तभी वहाँ पर हमारे युनची की एंट्री होती है जो इनविजिबल होता है, वजह से युनलोंग उसकी आहट तक महसूस नहीं कर पाता। और युनची वहाँ पर आकर बोलता है, ये कमीना अभी भी सपने देख रहा है कि ये ज़ियाओ क्लैन में जा पाएगा, और जैसा कि तूने बोला कि तू एक साल के बाद मेरी लिटिल आंट के ऊपर हाथ डालेगा, वो भी मेरी गैर हाजिरी में, तो फिर तेरे लिए बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। ये सब बोलते हुए अपने पास से खंजर निकाल लेता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, तू सिर्फ सपने देख ज़ियाओ क्लैन में जाने के लिए और मेरी लिटिल आंट को फंसाने के लिए, क्योंकि हकीकत में तेरे इस प्लान को अंजाम देने के लिए तू ही जिंदा नहीं बचेगा। और ये बोलते हुए अपने खंजर से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से पूरे हर जगह ब्लडी ब्लड फैल जाता है। ची के खंजर खोप देने के बाद युनलोंग काफी जोरों से चिल्लाता है, जिसकी आवाज उसके फादर तक पहुंच जाती है, जो उस आवाज को सुनकर बोलते हैं, ये आवाज तो मेरे बेटे युनलोंग की है। और बड़ी तेजी से युनलोंग के रूम के अंदर आते हैं और वहां पर युनलोंग को इस हालत में देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो रोते हुए युनलोंग के पास जाते हैं। युनलोंग, तुम्हारे साथ ये क्या हो गया, किसने किया तुम्हारे साथ ये? और फैमिली हेड को इतना ज्यादा घबराए देख ग्रैंड एल्डर बोलते हैं, फैमिली हेड तुम शांत हो जाओ, अभी ये पूछने का वक्त नहीं है कि ये कैसे हुआ। युनलोंग की हालत बहुत ज्यादा नाजुक है क्योंकि उसके घाव बहुत ज्यादा गहरे हैं, अगर जो उसको टाइम से ट्रीट नहीं किया गया तो ये मर भी सकता है। मैं जल्द से जल्द मेडिसिन रूम में जाता हूँ और युनलोंग के लिए वाइटालिटी पाउडर लेकर आता हूँ। और इस तरफ युनलोंग को भी पता नहीं होता कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या है और अपने घायल हालत में बोल रहा होता है, अभी अभी क्या हुआ मेरे साथ, मेरे ऊपर किसने अटैक किया। और उसको इतना पैनिक होता देख उसके फादर उससे बोलते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, ये बहुत छोटा सा स्क्रैच है, तुम चिंता मत करो, ये घाव बहुत छोटा सा है, वाइटालिटी पाउडर लेते ही ये तुम्हारा घाव पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। इस तरफ सीन चेंज होकर मेडिसिन रूम पे आता है और इस तरफ मेडिसिन रूम में भी युनची ने आग लगा दी होती है, जिसकी वजह से वो लोग बोल रहे होते हैं, इस फायर में से कितनी ज्यादा खतरनाक मेडिसिन की स्मेल आ रही है, इसका मतलब हमारी आधे से ज्यादा मेडिसिन तो इसमें जल के वैसे ही राख हो चुकी है। और इस तरफ युनलोंग अपने पापा से बोल रहा होता है, फादर मैं मरने वाला हूँ, प्लीज जल्दी करिए मेरी मेडिसिन लेके आइए, वाइटलिटी पाउडर को लेकर आइए। जिसकी ये बात सुनकर फैमिली हेड काफी तेजी से वहाँ से निकलते हैं और युनलोंग से बोलते हैं, युनलोंग तू अपने आप को शांत रख, मैं तेरे लिए अभी मेडिसिन लेके आ रहा हूँ। और काफी तेजी से युनलोंग को अकेला छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं, पर तभी युनलोंग का गेट बड़ी तेजी से अपने आप से बंद हो जाता है, जिसे देखकर युनलोंग की तो फटके 64 हो गई थी, आखिरकार इस गेट के साथ क्या प्रॉब्लम है, ये अपने आप से कैसे बंद हो गया। लेकिन उसके बाद समझ आता है कि कोई है उसके आसपास और वो चिल्लाते हुए बोलता है, जो भी है जल्दी से सामने आओ, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, जल्दी से बाहर आओ। पर तभी ची अपनी इनविजिबिलिटी को ऑफ करता है और उसके सामने आते हुए बोलता है, बड़े भाई शायद तो मुझे पहचाने नहीं अभी। जिसे देखकर युनलोंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, ची तू वापस कैसे आ गए यहाँ पर हमारी फैमिली में। और अपनी सिक्योरिटी को बुलाते हुए बोलता है, सिक्योरिटी कोई है मेरे आसपास? जिसे सुनकर युनची बोलता है, इतना ज्यादा चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है बड़े भैया, शांत हो जाओ, सब इस वक्त मेडिसिन हॉल के पास है, तुम्हें यहाँ पर कोई बचाने वाले नहीं आएगा। और इस तरफ युनलोंग की इतनी फट चुकी होती है कि वो अपने हाथ पर चलाते हुए बोलता है, मेरे करीब मत आना, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। और युनची अपना वापस खंजर निकालते हुए उससे बोलता है, अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कर इतना ज्यादा हिलकर, मैंने अपना पिछला अटैक तेरी मूवमेंट्स को रोकने के लिए किया था और अब मैं अपना जो करने के लिए आया था मैं वो करने जा रहा हूँ। और युनलोंग ये सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और उससे बोलता है, नहीं यहाँ पर मेरे करीब मत आना। पर युनची उसकी बात ना सुनते हुए उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, मैं तो उसको ऐसे कैसे छोड़ दूं, जो तूने किया ये उसका फल है तो अब भुगत। और उसके कंधे के ऊपर अपना खंजर खोप देता है और युनलोंग अपने सामने अपनी मौत देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। युनची मुझे माफ कर दो, जो तुम कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे छोड़ दो, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। जिसके जवाब में युनची बोलता है, छोड़ दूं वो भी तुम्हें। और वहीं पर युनची टाइगर श्रॉफ का काफी ज्यादा फेमस डायलॉग बोलता है, क्यों थक रहा है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, मेरी इस लैश के साथ तेरी वो हर करीबी चीज मैं तुझसे दूर लेके जाऊंगा। और ये बोलते हुए ची अपना अटैक युनलोंग की आंखों पर करता है, जिसकी वजह से युनलोंग की आंखों से वहीं पर ब्लड आने लगता है और वो वहीं पर अंधा हो जाता है। जिसके बाद अपनी तलवार को लेकर वो सीधा स्ट्राइक करता है और बड़ी बेरहमी से उसके मुंह के अंदर अपनी तलवार घुसोड़ देता है, जिसकी वजह से उसके मुंह के अंदर से भी ब्लड आने लगता है। और उसके बाद एकदम जल्लादों की तरह लगातार उसकी बॉडी पर अटैक करता रहता है और वहां पर हमें सिर्फ युनलोंग की कराने की आवाज सुनाई पड़ती है। और वहां से सीन चेंज होकर एक क्लिफ पर आती है, जहां पर एक गुफा के सामने ग्रैंडफादर खड़े होते हैं और उनके पीछे से लिंगशिन को बुलाते हुए बोलती है, ग्रैंडफादर आप बाहर खड़े होकर क्या कर रहे हैं, आप जल्दी से अंदर आ जाइए, अगर जो आप इसी तरीके से बाहर खड़े रहेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। इसके जवाब में ग्रैंडफादर बोलते हैं, मेरी वजह से तुम यहाँ पर 15 साल के लिए बंद हो चुकी हो, तुम ही बताओ मैं चिंता ना हूं तो मैं क्या करूं। इसके जवाब में लिंगशिन बोलती है, मेरे पास तो कम से कम एक फैमिली है और एक घर है, युनची के पास तो वो भी नहीं, आखिरकार वो होगा कहाँ, क्या उसने कुछ खाया भी होगा। पर तभी ग्रैंडफादर अपने पीछे किसी को महसूस करते हैं और उससे बोलते हैं, कौन हो तुम, बाहर आओ। की स्टार्टिंग होते हैं पिछले वीडियो के एंडिंग से, जहां पर कोई आया था ग्रैंडफादर के पीछे तो वो कोई और नहीं हमारा चीता। और युनची को देखकर लिंगशी काफी तेजी से उसके जाकर उसे गले लिपट जाती है और रोते हुए युनची से बोलती है, ची मैं सपना तो नहीं देख रही, क्या तुम सच में वापस आ गए हो। और ची को देखकर ग्रैंडफादर उसे पूछते हैं, ची तुम यहां पर कैसे आए, क्या फैमिली हेड ने तुम्हें ज़ियाओ फैमिली में वापस बुला लिया। जिसे सुनकर युनची बोलता है, वो कमीने मुझे वापस क्यों बुलाएंगे, मैं यहां पर फैमिली के पिछले डोर से आ गया था और मैंने उनके लिए बहुत अच्छा सा गिफ्ट छोड़ दिया। और हमें यहाँ से सीन चेंज होकर ज़ियाओ फैमिली में दिखाया जाता है, जहाँ पर फैमिली हेड आग में लगे मेडिसिन रूम में से वाइटालिटी पाउडर लेकर आ गए थे। युनलोंग मुझे वाइटालिटी पाउडर मिल गया, तू चिंता मत कर मैं आ रहा हूँ, अब तेरे घाव काफी तेजी से हील हो जाएंगे। और जब चलते हुए युनलोंग के रूम तक पहुंचते हैं तब वहां का नजारा देख सदमे में चले जाते हैं, वहां पर युनलोंग की लाश पड़ी थी, जिसकी आंखों से और पूरी बॉडी से खून बाहर आ रहा था। और ग्रैंड एल्डर युनलोंग की लाश के पास जाते हुए बोलते हैं, जिसने भी ये किया है उसने बहुत बेरहमी से इसे मारा है, उसने युनलोंग की सारी मेरिडियंस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसने इसके फेस के बहुत बुरी तरीके से परखच्चे उड़ा दिए हैं और तो और यहां तक उसने इसकी मर्दानगी तक छीन ली, पर ये अभी तक जिंदा है,
लेकिन इससे अच्छी तो इसकी मौत ही हो जाए यहाँ पर। जिसे देखकर फैमिली हेड तो काफी ज्यादा गुस्से में वाइटलिटी पाउडर अपने हाथी में तोड़ देते हैं, बिजर्क होकर अपनी पूरी परफॉर्मेंस को रिलीज करते हैं। आखिरकार कौन था वो जिसने इतनी बेरहमी से मेरे बेटे का ये हाल कर दिया। पर तभी उनके पीछे खड़े फैमिली के डिसाइपल उनसे बोलते हैं, मास्टर पीछे देखिए। और फैमिली हेड जब पीछे घूमकर देखते हैं तो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और वहां पर पीछे दीवार पर लिखा होता है, बुड्ढे खुसर जियाओ, मैं तुमको बधाई करता हूँ तुम्हारे बेटे को जियाओ क्लैन में एंटर करने के लिए। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट छोड़ा है, मेरे ख्याल से तुम्हें ये पसंद आया होगा और मेरी आपसे विनती है कि आप इसको प्लीज एक्सेप्ट करें। ये देखकर फैमिली हेड तो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और दीवार को पंच मारकर उस दीवार को वहीं पर तोड़ देते हैं। कौन था ये जिसने भी ये किया है, जल्दी से बाहर आ जाओ। और यहीं से सीन चेंज होकर प्रेजेंट पर आता है, जहाँ पर ग्रैंडफादर युनची को मुंह बनाकर देख रहे होते हैं और युनची की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है क्योंकि लिंगशी काफी देर से युनची से चिपकी हुई थी और ये देखकर ग्रैंडफादर का तो दिमाग खराब हो रहा था और युनची की वहाँ पर फट रही होती है ग्रैंडफादर को देख देख कर। और वो लिंगशी से बोलता भी है, लिंगशी मैं सिर्फ तुमसे आधे दिन के लिए दूर था और तुम मेरे लिए इतना परेशान हो गई कि तुम मुझे एक घंटे से हक किए हो। और अपने मन में बोलता है, मेरे लिए तो ये नॉर्मल होता अगर जो हम अकेले में होते, पर इस वक्त ग्रैंडफादर मुझे बहुत बुरी तरीके से देख रहे हैं क्योंकि लिंगशी मुझसे काफी देर से चिपकी पड़ी है। जिसके जवाब में लिंगशी बोलती है, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे आधे दिन के लिए दूर रहे हो या आधे साल के लिए, और तुमने क्या हासिल कर लिया फैमिली से अपने मन से जाने के बाद। और जिसके जवाब में युनची बोलता है, पर मैं थक गया हूं। और धीमी से आवाज में लिंगशी से बोलता है, और ग्रैंडफादर काफी देर से हमको इस तरीके से देख रहे हैं। और ये जानकर कि ग्रैंडफादर उसको देख रहे हैं, लिंगशी युनची को धक्का देकर अपने से दूर कर देती है और ग्रैंडफादर को एक्सक्यूज देते हुए बोलती है, फादर आप इसको गलत मत समझिए क्योंकि मैं युनची के लिए काफी ज्यादा परेशान थी और उसको यहाँ पर अचानक से देखकर मुझे मेरे दिमाग पर कंट्रोल नहीं रहा और मैं भूल गई कि आप यहाँ पर हैं। ये सुनकर ग्रैंडफादर बोलते हैं, अच्छा तो तुम भूल गई थी कि मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ, इसका मतलब मैं जब तुम लोगों के आसपास नहीं होता तो तुम दोनों यही करते हो। जिसकी बात सुनकर लिंगशी घबराते हुए बोलती है, नहीं हम लोगों का इतना खास रिलेशनशिप नहीं है और जैसा आप समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, हम लोगों का सिर्फ एक नॉर्मल सा रिलेशनशिप है। और ये सब सुनकर युनची अपने सर पर हाथ रख लेता है और अपने मन में बोलता है, लिंगशी इस तरीके से कौन एक्सप्लेन करता है, जिसको ना शक करना हो वो भी शक करेगा तुम्हारी इस बातों पर। ग्रैंडफादर लिंगशी से बोलते हैं, बस भी करो मैं अंधा नहीं हूँ, मुझे सब दिखता है और मुझे पक्का यकीन है कि तुम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है और मैंने तुमको इसलिए नहीं रोका क्योंकि ची हमसे ब्लड रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब ची का हमसे कोई भी खून का रिश्ता नहीं है। और ग्रैंडफादर की ये बात सुनकर युनची उनसे पूछता है, ग्रैंडफादर अगर जो मैं आपसे ब्लड रिलेटेड नहीं हूँ और मेरे माता पिता कौन है और वो कहाँ पर रहते हैं। ये क्वेश्चन सुनकर ग्रैंडफादर उससे बोलते हैं, अगर जो जियाओ फैमिली में ये कार्ड ना होता तो मैं अपनी पूरी जिंदगी ये सीक्रेट को अपने अंदर ही छुपा के रखता, लेकिन अब तुम्हें तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है और तुम्हारी जरूरत हमारी जियाओ फैमिली को भी नहीं है, इसलिए तुम अपनी रियल फैमिली में वापस जा सकते हो और तुम्हारे असली पिता का नेम युन था। ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। जिसकी ये बात सुनकर युनची अपने मन में बोल रहा होता है, मेरी पिछली लाइफ में अजुरे क्लाउड कॉन्टिनेंट मेरा पिछला नेम भी युन था जो मेरे मास्टर ने मुझे दिया था। और इस तरफ ग्रैंडफादर युनची से बता रहे होते हैं, पर मुझे ये नहीं पता कि उसका पूरा नाम क्या है और वो आया कहां से है, पर उसकी स्ट्रेंथ और कल्टीवेशन काफी ज्यादा अच्छी थी और वो बहुत ज्यादा ताकतवर था, तो मेरे पिछले एपिसोड में मुझसे ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी क्योंकि मैं ची को ज़ियाओची ना बोलकर युनची बोलता था, जो उसका रियल सरनेम है जो अब उसको पता चला है, पर पहले उसका नेम ज़ियाओची ही था, इसलिए समझ जाना। और ग्रैंडफादर युनची को कहानी सुनाते हैं अपने बेटे की, जब मेरा बेटा ब्लू वाइन एम्पायर में ट्रैवल कर रहा था तब उसकी लड़ाई कुछ लोगों से हो गई थी, लेकिन तुम्हारे पापा ने मेरे बेटे की जान बचाई जिसके 2 महीने के बाद वो दोनों एक दूसरे के भाई बन गए। और उसके कुछ महीनों बाद तुम्हारे पिता मेरे बेटे को वहां पर छोड़कर चले गए, पर उसके कुछ सालों के बाद वो दोनों वापस से मिले, लेकिन उस वक्त तुम्हारे माता और पिता काफी ज्यादा इंजर्ड थे और उनके गोद में तुम। मेरे बेटे ज़ियाओयिंग ने उनको रोकने की कोशिश की पर उन्होंने रुकने से मना कर दिया क्योंकि उनको मालूम था कि जिन लोगों ने उनको इस तरीके से घायल किया था वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और अगर जो वो यहाँ पर रुकेंगे तो ज़ियाओयिंग की भी जान खतरे में आ जाएगी। ज़ियाओयिंग को वो वहाँ पर छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और तब ज़ियाओयिंग को भी रियलाइज हो गया, जिस इंसान के खिलाफ तुम्हारे माता पिता गए हैं वो इंसान काफी ज्यादा खतरनाक है और अगर जो यिंग उनकी मदद करेगा और उनको अपने पास रखने की कोशिश करेगा तो उस ताकतवर फोर्स के पूरी तरीके से खिलाफ बनेगा, जिसकी वजह से पूरे अजूरे क्लाउड कॉन्टिनेंट में उसको बचाने वाला कोई नहीं होगा। पर जाने से पहले ज़ियाओयिंग ने तुमको अपने बेटे से बदल लिया क्योंकि अगर जो उन दोनों पर कोई भी तरीके का खतरा है या फिर किसी एनिमी ने उन लोगों पर अटैक किया तो तुम्हारे माता पिता का आखिरी वारिस जिंदा रहे। सीन चेंज होकर प्रेजेंट पर आता है, जहां पर ग्रैंडफादर के मुंह से ये सारी बात सुनकर ची काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने आप ही पर गुस्सा करते हुए बोलता है, मेरी जान बचाने के लिए मेरे ग्रैंडफादर के बेटे ने अपने बेटे का सैक्रिफाइस दे दिया और अपने बेटे को मौत के मुंह में झोंक दिया। पर तभी ग्रैंडफादर उसको बताते हैं, समस्या का समाधान अभी तक हुआ नहीं था, तुम्हारे पिता के जाने के आधे महीने के बाद ही मेरे बेटे ज़ियाओयिंग के ऊपर असैसिनों ने हमला कर उसको जान से मार दिया और ये इंसान कोई और नहीं वही इंसान था जो तुम्हारे माता पिता के पीछे पड़ा था और उस इंसान ने मेरे बेटे के ऊपर हमला इसलिए किया क्योंकि वो जानना चाहता था कि तुम्हारे माता पिता आखिरकार हैं कहाँ पर। जो बात सुनकर युनची अपनी तरफ देखते हुए बोलता है, इसमें कोई दोरा नहीं है कि इन सब चीजों के पीछे सिर्फ मेरा हाथ है और मेरी वजह से ग्रैंडफादर ने अपने वारिस को इतनी छोटी सी उम्र में मरता हुआ देखा और इन सब चीजों के पीछे
मैं ना होकर मैं ही हूँ। और अगर जो मेरे माता पिता ने मुझसे उनके बेटे को एक्सचेंज ना किया होता तो शायद वो आज अभी जिंदा होते और उनकी वाइफ जो उनके जीने और मरने के साथ में थी उनको भी आज मरना ना पड़ता। और मेरी ग्रैंड माँ वो अपने बेटे की मौत का सदमा झेल नहीं पाई और डिप्रेशन के कारण उनकी डेथ हो गई। और अगर जो मैं यहाँ पर ना होता तो ग्रैंड फादर इतने बूढ़े भी नहीं होते क्योंकि उनकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ उनकी एज को अब तक रोक चुकी होती। तो यहाँ पर कंफ्यूज आना मत क्योंकि इस वर्ल्ड में जो इंसान अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाता रहता है और अपनी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ को भी कल्टीवेट करते हुए ब्रेक थ्रू कर करके अपनी रियलम्स को भी बढ़ाता जाता है। इसका मतलब अगर जो इंसान कोई अपनी पीक लेवल की कल्टीवेशन पर पहुंच जाएगा तो उसकी एज भी बढ़ना बंद हो जाएगी और वो बुढ़ा नहीं होगा। और उसके बाद चीफ बोलता है, यहाँ तक मेरी मेरिडियंस पूरी तरीके से डैमेज होने के बाद भी कभी भी मुझे अबैंडन नहीं किया और उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जिस तरीके से सब लोग मुझे करते थे। यहाँ तक उन्होंने मुझे अपने असली पोते से भी ज्यादा प्यार दिया। और ये सब सोचते हुए ची अपने घुटनों पर आ जाता है और अपना सर झुकाते हुए ग्रैंडफादर से बोलता है, ग्रैंडफादर मुझे माफ कर दे, ये सब मेरी वजह से हुआ। जिसकी ये हरकतें देखकर ग्रैंडफादर उसे बोलते हैं, ची तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैंने या किसी और ने तुम्हें इस बात के लिए ब्लेम नहीं किया क्योंकि इन सब चीजों के पीछे तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्योंकि तुमको बचाते हुए मेरे बेटे की आखिरी सांसों के दौरान भी उसके फेस पर स्माइल थी। और रही बात तुम्हारे माता पिता की, तो उन लोगों ने तुम्हारे माता पिता को इन्वेस्टिगेट करने के लिए किसी को भेजा था तो इसका सीधा सा मतलब है कि तुम्हारे माता पिता अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा हैं। और ये बात सुनकर ची के भी चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो ग्रैंडफादर से पूछता है, क्या सच में मेरे माता पिता अभी तक जिंदा है? जिसकी बात सुनकर ग्रैंडफादर बोलते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम्हारे माता पिता जिंदा हैं क्योंकि मेरे बेटे ने अपनी जान को छोड़ते हुए अपनी आखिरी सांसों में सिर्फ मुझे बताया था कि आखिरकार वो लोग क्यों तुम्हारे माता पिता के पीछे पड़े हुए थे, क्योंकि तुम्हारे माता पिता के पास किसी तरीके का एक हेवनली ट्रेजर था। और ये बातें सुनकर जी भी काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसने दो लाइफ जी थी और अपनी दोनों जिंदगियों के जीने के दौरान में उसने ना कभी इस तरीके के ट्रेजर के बारे में देखा और ना कभी सुना था। और इस तरफ ग्रैंडफादर ची से बताते हैं, मुझे उस ट्रेजर के बारे में इतना ज्यादा कुछ पता नहीं है पर मुझे इतना पता है कि वो ट्रेजर काफी ज्यादा टेरिबल और पूरी तरीके से फॉरबिडन था। और ची की तरफ देखते हुए बोलते हैं, पर ये चीज ध्यान रखना कि तुम्हारे अलावा इस बात को कोई जान ना सके। जिनकी ये बात सुनकर ची बोलता है, अब चिंता मत करिए ग्रैंडफादर, मेरी तरह से किसी चौथे इंसान को इस ट्रेजर के बारे में कभी पता नहीं लगने दूंगा। और ये बात सुनकर ग्रैंडफादर बोलते हैं, बहुत अच्छे, पर अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा देर हो चुकी है और अगर जो किसी ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो ज़ियाओ फैमिली में बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। जिनकी ये बात सुनकर लिंगशी घबरा जाती है और ची के पास जाते हुए उसे रोकने लगती है। और लिंगशी को अपने सामने देख ची उनसे बोलता है, लिटिल आंट परिस्थिति अभी ऐसी है कि मुझे जाना होगा पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं 3 साल के बाद वापस आऊंगा और पूरी ज़ियाओ फैमिली को तुम्हारे सामने झुकने के लिए मजबूर कर दूंगा। और ये सुनकर लिंगशी बोलती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर जो तुम ये करोगे, पर सबसे पहले तुम अपनी सेफ्टी देखोगे और मुझसे वादा करो कि तुम अपना ख्याल रखोगे। जिसकी ये बात सुनकर ची बोलता है, आप इतनी चिंता मत करिए आंट, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपने आप को सेफ रखूंगा। और लिंगशी के करीब जाते हुए बोलता है, मुझे वापस तो आना ही होगा क्योंकि मैंने किसी से प्रॉमिस किया है और मैं अपना प्रॉमिस पूरा जरूर करूंगा। और ये सुनकर लिंगशी कंफ्यूज होते हुए ची से बोलती है, किस तरीके का प्रॉमिस? पर तभी लिंगशी को उसकी और ची की उस रात वाली बात याद आती है जिस रात में ची ने बोला था कि अगर जो आप मेरी लिटिल आंट ना होती तो मैं आपसे पक्का शादी कर लेता। और ये सब बातें जब लिंगशी के जहन में आती है तो वो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए ब्लश करने लगती है। और यहाँ से सीन चेंज होकर वापस ज़ियाओ मैनर पे आता है। यहाँ पर कुंग्यू और उसके मास्टर अभी तक ज़ियाओ फैमिली में ही होते हैं और यहाँ पर ची की मास्टर चू उससे बोलती है, लिंगशी मुझे अभी बता दो क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? और ये बात सुनकर लिंगशी बोलती है, यस मास्टर, मैंने अपने भाई और अपने फादर से फेयरवेल लेने के लिए प्रिपेरेशन कर लिया है। जिसकी ये बात सुनकर मास्टर चू उससे बोलती है, बहुत अच्छे, क्योंकि कल मैं तुम्हें वापस लेकर यहाँ से जा रही हूँ लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारी बॉडी में अपनी परफॉर्मेंस स्ट्रेंथ को रिलीज करने दो क्योंकि वहाँ पर तुम्हें इसका यूज करना पड़ेगा। और उससे अपना हाथ आगे करने के लिए बोलती है जिसके बाद वो अपनी परफॉर्मेंस स्ट्रेंथ को उसकी पूरी बॉडी में इंसर्ट करना चालू कर देती है। पर तभी कुंगी के बॉडी में अपनी परफॉर्मेंस स्ट्रेंथ को रिलीज करते साथ ही वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उनके मुंह से सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड निकलता है, नामुमकिन। और अपनी मास्टर को इस तरीके से शॉक होता देख कुंगी उनसे पूछती है, मास्टर क्या हुआ, अब रुक क्यों गई? और कुंगी उसे काफी ज्यादा हैरानगी में बोलती है, कुंग्यू जिस टाइम पे तुम यहाँ पर थी उस टाइम में तुम्हारे साथ क्या हुआ था? और चू कुंग्यू को बताती हैं कि हर एक इंसान के अंदर टोटल 54 मेरिडियंस होती हैं और तुम्हारी स्ट्रेंथ तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड इन्हीं 54 मेरिडियंस के ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसा कि एक नॉर्मल कल्टीवेटर के पास उसकी 10 मेरिडियंस ओपन होती हैं और उसी 10 मेरिडियंस के हिसाब से उसके पास उसकी स्पिरिचुअल पावर होती है और एक मिडिल ग्रेड के कल्टीवेटर के पास उसकी 15 मेरिडियंस ओपन होती हैं
और एक टैलेंटेड कल्टीवेटर के पास उसकी 20 मेरिडियंस ओपन होती हैं, जिन्हें हम वेल्वेस बोलते हैं। और इसी के हिसाब से जितनी तुम्हारी वेल्वेस ओपन होगी उतनी तुम्हारी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इसके जवाब में कुकी बोलती है, जी मास्टर मुझे पता है, क्योंकि मैं 21 वेल्वेस के साथ ही पैदा हुई थी, जिसकी वजह से मुझे ग्रेट टैलेंटेड जीनियस बोला जाता था। पर मास्टर आप मुझे ये बात क्यों बता रही हैं? क्या मेरी मेरिडियंस में कोई दिक्कत है? जिसके जवाब में चू बोलती है, नहीं तुम्हारी मेरिडियंस में कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हारी ओपन वेल्वेस अब 21 नहीं रही है। और ये बात सुनकर कुंगी परेशान होते हुए मास्टर चू से पूछती है, मास्टर लेकिन अब मेरे पास कितनी मेरिडियंस ओपन है? जिसके जवाब में मास्टर चू बोलती है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी ओवरऑल 24 की 4 वेल्वेस ओपन हो चुकी हैं, और तुम्हारी मेरिडियंस ने प्रोग्रेस कर अपने आप को गोल्डन मेरिडियंस में चेंज कर लिया है। और ये बात सुनकर कुंगी पूरी की पूरी शॉक में चली जाती है कि उसकी पूरी की पूरी 54 मेरिडियंस ओपन हो चुकी हैं। और वो बोलती है, ये नामुमकिन है, ऐसी पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ गॉड्स के पास होती है। जिसके बाद मास्टर चू से पूछती है, कुंगी क्या रिसेंट में तुम्हारे साथ कोई अजीब सी चीज हुई है? अगर जो हुई है तो मुझे बताओ। पर कुंगी सोचते हुए मना कर देती है, नहीं मास्टर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। पर तभी उसको ची के बारे में याद आता है, ची ने अपने एक्यूपंचर स्किल्स की मदद से उसकी हेल्प की थी और उसकी 30% तक पावर इंक्रीज कर दी थी। क्या इसका मतलब ची ने अपने एक्यूपंचर स्किल्स के साथ मेरे 54 की 54 वेल्वेस को ओपन कर दिया? और मास्टर चू उसके ख्यालों से उसको निकालते हुए बोलती है, कुंगी तुम्हें कुछ याद आया? यस मास्टर, मैं एक फिजिशियन से मिली थी जिन्होंने मेरी तबीयत खराब होने पर मेरी हेल्प की थी, जिनका नाम पता मैं नहीं जानती और उनकी शक्ल भी मैंने ध्यान से नहीं देखी, क्योंकि उन मास्टर का चेहरा ढका हुआ था। और अपने मन में सोचते हुए बोलती है, मुझे ची को इन सारे मामले से दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि उसकी एबिलिटी बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसकी इस तरीके की स्किल्स के साथ वो खतरे में पड़ सकता है, इसलिए मुझे उसको एक्सपोज होने से बचाना होगा। जिसके बाद मास्टर चू से बोलती हैं, हाँ शायद, क्योंकि ऐसे बहुत से एक्सपर्ट हैं जो अपने आप को दुनिया के इस तरीके के मैटर में नहीं घुसोड़ना चाहते, इसलिए वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखते हैं। तो क्योंकि तुम आज रात अच्छे से रेस्ट कर लो, क्योंकि कल यहाँ से हम निकल रहे हैं। और मास्टर के वहाँ से जाने के बाद क्योंकि बोलती है, जी मुझे इतना अच्छा गिफ्ट देकर तुम ये पक्का करना चाहते हो कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हें भूल ना पाऊँ। और इस तरफ जी अपनी इनविजिबल होने वाली ग्रास को यूज करते हुए इनविजिबल होकर जियाओ फैमिली से बाहर जा रहा होता है। और उसके बाद बोलता है, मुझे माफ कर देना ग्रैंडफादर और लिटिल आंट, पर अब जियाओ फैमिली में मेरी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि 3 साल बाद मैं वापस आऊंगा और अपना बदला जरूर लूंगा। और वहाँ से जाते हुए बोलता है, अब से मेरा नाम युनची है, तो दोस्तों अब से इसका नाम युनची है। और वो जियाओ फैमिली से बाहर आ जाता है। और वहीं से सीन चेंज होकर एक जगह पर हमें एक ढाबे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लोग खाना खा रहे होते हैं। और हमें वहीं पर एनवी को दिखाया जाता है, जो बोल रहा होता है अपने बॉडीगार्ड से, और वहाँ पर बैठे हुए अपने बॉडीगार्ड से बोलता है, आखिरकार जियाओ क्लन में वापस जाने में हमें कितना वक्त लगेगा? जिसके जवाब में उसका बॉडीगार्ड बोलता है, लगभग 1000 miles, और अगर जो हम इसी तरीके से चलते रहे तो कुछ समय के बाद हम जियाओ क्लन में पहुंच जाएंगे। जवाब में एनवी बोलता है, आखिरकार मुझे इस जगह पर और कितनी देर रुकना पड़ेगा, और यहाँ की घटिया वाइन ये क्या इंसानों के पीने लायक भी है? पर तभी वहाँ पर कोई रेस्टोरेंट के गेट पर लात मारकर गेट को खोलता है, और वहाँ पर कुछ भद्दी सी शक्ल के लोग अपनी वेपन्स के साथ वहाँ पर आ जाते हैं। और उनमें से सबसे भद्दी सी शक्ल वाला आदमी बोलता है और ओनर को धमकाते हुए बोलता है, मुझे अपने यहाँ की बेस्ट वाइन ला के दो और हर बार की तरह पूरा बर्तन लाना। और वहीं पर बैठे लोग बात कर रहे होते हैं कि ये लोग सिल्वर ड्रैगन मर्सनरी ग्रुप के लोग हैं, जिसकी वजह से ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक है। और उनमें से एक बोलता है, अपनी आवाज को धीमे रखो अगर जो मरना नहीं है तुम्हें। पर तभी उन मर्सनरी ग्रुप्स में से एक बंदे की नजर एनवी के ऊपर पड़ती है, और वो बंदा अपने बॉस को बुलाते हुए बोलता है, मास्टर देखो यहाँ पर कुछ अमीर फैमिली के लोग हैं जो यहाँ पर वेकेशन मनाने के लिए आए हैं। और उनका बॉस उनकी तरफ देखते हुए बोलता है, सच में इनके कपड़े देख के तो लगता है कि ये लोग काफी ज्यादा अमीर हैं। पर उनको इस तरीके से बात करता देख एनवी का बॉडीगार्ड सुन लेता है, और ये बातें एनवी के भी कानों में पड़ चुकी होती हैं। जिसके बाद एनवी बोलता है, सीनियर ब्रदर्स ये लोग मुझे मेरी वाइन पीने से मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए जियाओबा इन लोगों की अच्छी तरीके से मरम्मत कर दो। और एनवी से ऑर्डर पाने के बाद जियाओबा उनकी तरफ बढ़ता है, और यहीं से सीन चेंज होकर ची पर आता है, जो चिलचिलाती धूप में चल रहा होता है, और वहीं पर गर्मी के कारण उसकी हालत खराब हो रही होती है। यहाँ का मौसम काफी ज्यादा गर्म है, मेरी बॉडी इसको झेल नहीं पाएगी। और अपने हाथ में एक टोकन पकड़े हुए बोलता है, ग्रैंडफादर ने मुझे ये टोकन पकड़ाते हुए बोला था कि न्यू मून सिटी में जाकर शाइकोंग नाम के बंदे को मुझे ढूंढना है और उसको ये टोकन दिखाना है। पर आखिरकार ये न्यू मून सिटी है कहाँ पर, मुझे इसके बारे में नहीं पता। और अपने गले में पड़े पेंडेंट को देखकर बोलता है, ग्रैंडफादर ने मुझे ये देते हुए बोला था कि ये तब से है जब अंकल जियाओ ने मुझे मेरे पेरेंट्स से एक्सचेंज किया था, और अगर जो मैं अपने माता पिता को ढूंढने में सक्सेसफुल रहा तो मेरे माता पिता इसको देखकर मुझे पहचान सकते हैं। पर अभी की सिचुएशन देख के लगता है कि मैं उनको ढूंढने से पहले इस गर्मी के कारण ही मर जाऊंगा। पर तभी उसकी नजर उसी टैवर्न पर पड़ती है, जिस टैवर्न पर इस वक्त एनवी है, और काफी ज्यादा तेजी से और हंसते हुए भागते हुए बोलता है, लगता है भगवान भी मेरे साइड है, मैं अब नहीं मरूंगा, मैं बच गया। और उसी टैवर्न के गेट पर पहुंचते हुए गेट खोलते हुए वेटर को बुलाता है कि मेरे लिए एक वाइन लेकर आओ, पर वहां की सिचुएशन देखकर उसकी फटके हाथ में आ जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि ची वहां पर बुत बनकर खड़ा होता है,
और उन मर्सनरीज का ग्रुप भुट्टो की तरह जमीन पर बिखरा हुआ होता है। एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि ची अपनी प्यास के कारण एक होटल में आकर रुकता है, लेकिन वहाँ की हालत देखकर उसकी बॉडी पूरी सुन्न पड़ जाती है और वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। तो वीडियो की स्टार्टिंग भी यहीं से होती है और वहाँ पर एनवी को देखकर बोलता है, बहुत समय हो गया तुम्हें देखा नहीं। पर अंदर ही अंदर इतना ज्यादा घबराया होता है कि घबराहटी के कारण उसका गला सूख जाता है, जिसके बाद एनवी बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, काफी ज्यादा वक्त हो गया तुमको मिले, हालांकि मुझे इस योर फैमिली से निकले हुए सिर्फ एक दिन हुआ है। जिसके जवाब में युनची बोलता है, अगर जो ऐसी ही बात है तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए, और ये बोलकर होटल के गेट से काफी तेज से बाहर आ जाता है। पर एनवी भी कहाँ मानने वालों में से था, इसलिए एनवी भी बोलता है, इस कमीने लड़के की वजह से मुझे उस दिन काफी ज्यादा बेइज्जती को सहना पड़ा। ज़ियाओबा, ध्यान रखना इसको ऐसी मौत मिले कि मौत भी इसको देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाएं। जिसके जवाब पर ज़ियाओबा बोलता है, आप चिंता ना करें मास्टर। और यहाँ से सीन चेंज होकर ची पर आता है, जो काफी तेजी से उस होटल से बाहर निकल रहा था। और ची बोलता है, आखिरकार मुझे इस ही बंदे से यहाँ पर क्यों मिलना था, मैंने इस एनवी की उस दिन काफी ज्यादा खतरनाक बेइज्जती कर दी थी और इसकी वजह से शायद ये मुझे यहाँ से जाने ना दे। और अपने पॉइजन पर्ल की तरफ देखते हुए बोलता है, आखिर मैं अब करूं क्या, मेरी पिछली लाइफ में इतना पावर यूज करने की वजह से मेरा स्काई पॉइजन पर्ल पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका है और इसका अब कुछ यूज नहीं है सिवाय मेडिसिन को टेम्पर करने के और आइटम्स को स्टोर करने के। पर तभी उसको उसके दिमाग में ब्लिंक होता है, रुको शायद मैं टेम्परिंग मेडिसिन से कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं घर से निकलते वक्त मैंने कुछ मेडिसिन अपने पॉइजन पाउडर में स्टोर कर ली थी, जिनकी हेल्प से मैं एक पॉइजन पाउडर बना सकता हूँ, पर ये पाउडर इतना पावरफुल नहीं होगा कि मैं किसी भी एक्सपर्ट को मार सकूँ, पर ये पॉइजन मेरे लिए इतना वक्त इकट्ठा कर सकता है कि मैं यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग सकूँ। पर तभी ज़ियाओबा उसका पीछा करते हुए उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसके बाद ज़ियाओबा बोलता है, युनची मेरे मास्टर ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं तुमको यहीं पर मार दूँ, जिनका ऑर्डर पाकर मैं यहाँ पर आया हूँ कि मैं तुमको अंडरवर्ल्ड भेज सकूँ। पर युनची काफी ज्यादा घबराते हुए बोलता है, देखिए मुझे लगता है आपके मास्टर और मेरे बीच में कोई छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, और अपने मन में ब्रेथ काउंट कर रहा होता है, सिर्फ 3 ब्रेथ बाकी हैं क्योंकि उसने अपने पॉइजन को बनाकर रिलीज कर दिया होता है। पर ज़ियाओबा उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, युनची मेरे मास्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया है कि मैं तुमको तड़पा तड़पा कर मारूं और मैं वही करूंगा। पर युनची उसको रोकते हुए बोलता है, प्लीज वहीं पर रुक जाओ, और अपने मन में सोचता है सिर्फ 2 ब्रेथ और। उसके बाद इस बंदे का काम खत्म और उसको अपने बातों के जाल में फंसाते हुए बोलता है, ज़ियाओबा तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें ऑर्डर दिया है कि तुम मुझे तड़पा तड़पा के मारो और तुम मुझे इतनी इजी तरीके से मारना चाहते हो। पर ज़ियाओबा उसकी बातों में ना फंसते हुए उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करो कीड़े और मर जाओ। और युनची काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसकी ब्रेथ कंप्लीट नहीं हुई थी और वो अपने मन में सोचता है, मेरी ब्रेथ अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लगता मैं यहीं पे मरने वाला हूँ, और अपना हाथ आगे करते हुए अपने आप को रोकने की कोशिश करता है। पर उसका पॉइजन पर्ल तभी चपकना चालू कर देता है और वहाँ पर हमें बस ब्लड की छींटों को दिखाया जाता है। पर तभी हमें उसी लड़की का सीन दिखाया जाता है, जो लड़की घायल हालत में ची को उसके गार्डन में मिली थी, और उसके साथ ही उस लड़की ने ची को प्रोटेक्ट भी कर लिया होता है, जिसे देखकर ची और ज़ियाओबा काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि ज़ियाओबा काफी ज्यादा हैरान होकर उसकी तरफ देख रहा होता है और कहता है, नामुमकिन, इसने ऐसा कैसे कर लिया। और हमें दिखाया जाता है कि ज़ियाओबा का हाथ उस लड़की के हाथ में होता है, जिसने अपने छोटे से अटैक के साथ ही ज़ियाओबा का हाथ काट दिया। पर तभी वो लड़की ज़ियाओबा का हाथ अपने हाथ से झटक कर उसके सामने फेंक देती है और उसके पीछे खड़ा ची ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे याद है ये लड़की वही है जिसको बचाने के लिए मैंने अपने स्काई पॉइजन पर्ल में इसको रख लिया था, पर मुझे मालूम नहीं था कि ये लड़की इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि उसने एक मास्टर एक्सपर्ट का हाथ ऐसे ही काट कर फेंक दिया। और सीन चेंज होकर घायल ज़ियाओबा पे आता है, जो मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो एक छोटी सी लड़की से हार गया, और हारा तो हारा और अपना हाथ भी कटा लिया। और ज़ियाओबा की बात सुनकर ये लड़की काफी ज्यादा गुस्से में जाती है और अपनी विल को रिलीज करते हुए उससे बोलती है, अपना मुंह बंद रख। और उस लड़की के चिल्लाने का प्रेशर ज़ियाओबा के ऊपर पड़ता है और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर सिर्फ ज़ियाओबा के जूते ही पड़े होते हैं, और ये देखकर ची की भी सिट्टी पिट्टी गुम होती है। इसने सिर्फ अपने चिल्लाने की फोर्स के साथ ज़ियाओबा को खाक में बदल दिया। ये लड़की काफी ज्यादा खतरनाक है, मुझे इसे संभल के रहना होगा। पर तभी ची उसकी तरफ घुमाकर अपना सर देखता है तो फिर वो लड़की अपना सिर पकड़कर वहां पर गिर जाती है और देखने से ऐसा लगता है कि वो काफी ज्यादा दर्द में है, और वहां पर काफी ज्यादा दर्द में बोलती है, ये गॉड किलिंग पॉइजन, मैंने यहां पर अपनी पावर्स में से सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा यूज किया है, पर इस पॉइजन की वजह से मेरा ये हाल हो गया। और ची उसके पास जाते हुए बोलता है, लड़की क्या तुम ठीक हो। और ये लड़की और कोई नहीं जिसकी ची ने पिछले कुछ एपिसोड्स में जान बचाई थी। तो यहीं से हमारी एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर ची उस लड़की से पूछ रहा होता है, लड़की क्या तुम ठीक हो, जिसके बाद वो लड़की ची से बोलती है, क्या हुआ तुम तो जा रहे थे यहाँ से, तुम रुक क्यों गए। जिसके जवाब में ची बोलता है, मैं तो पीछे घूम के सिर्फ सीनरीज को देख रहा था, मेरा यहाँ से भाग के जाने का कोई इरादा नहीं था। पर करीब से देखने पर लगता है कि तुम्हें किसी ने बहुत बुरी तरीके से पॉइजन दिया है, जिसके जवाब में ये लड़की बोलती है, आखिरकार तुम होते कौन हो मुझसे इस तरीके का सवाल पूछने वाले, और स्काई पॉइजन पर्ल ने तुम्हारे जैसे एक ऑर्डिनरी पर्सन को कैसे अपना मास्टर चूज कर लिया।
क्या इस हेवनली ट्रेजर की इंटेलिजेंस घास चरने के लिए गई है? और इस हेवनली ट्रेजर का नाम सुनकर चीतू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचते हुए बोलता है, क्या यहाँ पर एक से ज्यादा हेवनली ट्रेजर है? और क्या इसी ट्रेजर की वजह से मेरे पेरेंट्स को इतना ज्यादा बुली किया जा रहा था? लेकिन उसके बाद अपने आप को अंदर ही अंदर शांत करते हुए बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं स्काई पॉइजन पर्ल को अजूरे क्लाउड कॉन्टिनेंट से अपनी पिछली लाइफ से लेकर आया हूँ और इसका रिलेशन मेरे माता पिता के साथ बिल्कुल नहीं हो सकता। और यहीं से सीन चेंज होकर डायरेक्ट एनवी के ऊपर आता है जो अपने बॉडीगार्ड से बोल रहा होता है, आखिरकार इस ज़ियाओबा को इतना वक्त क्यों लग रहा है उस यूजलेस के साथ निपटने में? शायद उस यूजलेस को पकड़ने के चक्कर में वो यहाँ से काफी दूर चला गया होगा और शायद रास्ता भूल गया होगा। और अपने एक बॉडीगार्ड ज़ियाओज़ीव से बोलता है उसको लेने के लिए। उसके बाद हमें स्काई पॉइजन पर्ल के बारे में बताया जाता है कि ये स्काई पॉइजन पर्ल इन 7 हेवनली ट्रेजरों में से 5th रैंक का एक हेवनली ट्रेजर है। और जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि स्काई पॉइजन पर्ल स्टोरेज भी कर सकता है, कि उसके अंदर अनलिमिटेड स्पेस है, इसके साथ साथ ये किसी भी तरीके के पॉइजन को नलीफाई कर सकता है और बना सकता है, और इसके दिखने के चांसेस 3,00,000 सालों में सिर्फ एक बार है। और जी के मुंह से इस तरीके की इन्फॉर्मेशन पाकर लड़की तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और जी से बोलती है, मैंने जितना सोचा था तुम उतने बड़े बेवकूफ नहीं हो, और मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था कि एक हेवनली ट्रेजर तुम्हारे जैसे एक यूजलेस के साथ फ्यूज हो जाएगा। जिसके जवाब में ची बोलता है, शायद स्काई पॉइजन पर्ल एक लड़की है और मैं ठहरा एक हैंडसम लड़का, इस वजह से शायद स्काई पॉइजन पर्ल ने मुझे चूज किया। पर तभी वो लड़की काफी तेजी से ची की गर्दन को पकड़ कर पीछे पेड़ पर लगा देती है, जिसके बाद वो लड़की बोलती है, मेरे पास तुमसे मजाक करने का टाइम नहीं है, मैं सिर्फ तुमको 2 चॉइसेस दे रही हूँ, स्काई पॉइजन पर्ल मेरे हवाले कर दो और अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ, और दूसरी चॉइस मुझे मना कर मेरे हाथों से यहीं पर मर जाओ। और इस तरफ ची तो काफी ज्यादा घबरा जाता है लेकिन अपने कॉन्फिडेंस को संभालते हुए बोलता है, अच्छा तो तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार दो, लेकिन क्या तुम सच में मुझे मार सकती हो? और अगर जो तुम मुझे सच में मारना चाहती तो मुझे तुम ज़ियाओबा के हाथों से नहीं बचाती, हालांकि तुम्हारी हालत भी लेथल पॉइजन की वजह से काफी ज्यादा खराब है, पर मुझे बचाने के लिए तुम स्काई पॉइजन पर से बाहर आ गई, तो क्या हुआ कि मैंने तुम्हारी जान बचाई? इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें मार नहीं सकती, और तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? और जी बोलता है, मेरे कहने का मतलब है कि अगर जो तुम मुझे मारोगी तो मेरे साथ तुम भी मर जाओगी, और ऐसा इसलिए है क्योंकि उस दिन जब तुम आधमरी हालत में मेरे स्काई पॉइजन पर्ल में एंटर करने के लिए मेरे ब्लड को फीड किया था, और ये स्काई पॉइजन पर मेरे साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए तुम्हारी लाइफ मेरी लाइफ से जुड़ी हुई है, और अगर जो मुझे कुछ हुआ तो मेरे साथ तुम भी मर जाओगी, हालांकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर जो तुम्हें कुछ हुआ, और अगर जो मैंने तुम्हें स्काई पॉइजन पर दे दिया तो तुम यहाँ पर बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे मार दोगी। और ची की ये सारी बातें सुनकर वो लड़की ची को छोड़ देती है, मैंने तुमसे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने स्मार्ट होगे। जिसके बाद ची अपने गर्दन पर हाथ रखते हुए बोलता है, मेरे ऊपर इतनी भी बेरहम मत बनो, आखिरकार मेरी लाइफ तुम्हारी लाइफ है। और उस लड़की से बोलता है कि मुझे लगता है ज़ियाओबा को गायब हुए काफी ज्यादा देर हो चुकी है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ उसको ढूंढने के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा, और मेरे हिसाब से तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हें क्या करना है। जिसकी बात सुनकर वो लड़की पीछे मुड़ जाती है और अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो और तुम्हारी चिंता यहाँ पर कौन कर रहा है? जिसके बाद ची उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है और उसे बोलता है, चलो भी मैंने तुम्हारी जान बचाई है और मैंने तुमसे कोई भी रेंट भी नहीं मांगा मेरे स्काई पॉइजन पर्ल में रहने के लिए, और इसके बदले में मेरे लिए तुम इतना तो कर सकती हो कि तुम मेरी बॉडीगार्ड बन जाओ। और इसकी ये बात सुनकर इस लड़की का और भी ज्यादा मुंह बन जाता है, और जिसके मुंह से कुछ भी ना सुनकर ची बोलता है, तुम्हारी इस चुप्पी को मैं हाँ समझता हूँ, तो चलो अब मुझे तुम अपना नाम बताओ। जिसके बाद वो लड़की अपना नाम बताते हुए बोलती है, मेरा नाम जैस्मिन है। और जैस्मिन का नाम सुनकर ची बोलता है, जो काफी ज्यादा क्यूट होता है और उसकी स्मेल प्योर एंड वाइट होती है, मेरे हिसाब से ये नाम तुम पर सूट करता है। और ये सुनकर जैस्मिन एक क्रिपी सी स्माइल देती है और उसे बोलती है, मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम यूजलेस होने के साथ साथ अंधे भी हो। और ये सुनकर ची बोलता है, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? और जैस्मिन अपनी प्रोफाउंड सेंस को रिलीज करते हुए बोलती है, ध्यान से देखो क्या मैं तुम्हें अभी भी उतनी प्योर एंड वाइट दिख रही हूँ? और ची उसके इतने थिक और डार्क किलिंग इंटेंट को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है, और ची इतना ज्यादा प्रेशर झेलते हुए बोलता है, ये किलिंग इंटेंट नहीं है। इसके बाद जैस्मिन उसके पास आते हुए बोलती है, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं उतनी प्योर एंड वाइट हूँ? जिसके बाद ची उसे बोलता है, तुम कोई नॉर्मल जैस्मिन नहीं हो, तुम तो एक ब्लड सकर जैस्मिन हो। पर तभी उनके पीछे हमें किसी को दिखाया जाता है, और ची पीछे मुड़ते हुए बोलता है, आखिरकार कौन है वहाँ पर? और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कोई और नहीं, एनवी का भेजा हुआ दूसरा बॉडीगार्ड होता है, और हमें दिखाया जाता है उस बॉडीगार्ड का फेस काफी ज्यादा लाल लाल हो रहा होता है। और ची ज़ियाओज़ू को यहाँ पर देखते हुए बोलता है, मुझे मालूम ही था कि एनवी किसी ना किसी को तो यहाँ पर भेजेगा, लेकिन उसके तरफ थोड़ा गौर से देखने पर ची को पता चलता है कि वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि वो एनवी का बॉडीगार्ड ज़ियाओज़ू जैस्मिन को देखकर काफी ज्यादा ब्लश कर रहा होता है और बोलता है, इस लड़की की जैसी ब्यूटी मैंने आज तक नहीं देखी। जिसकी ये बात सुनकर जैस्मिन गुस्से में आकर अपने हाथ को फ्लिक करती है, जिसकी वजह से उसकी स्किन उसके स्कल से छूट कर टुकड़ों में बटकर उसकी फोर्स की वजह से पीछे चली जाती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर मर जाता है।
पर तभी हमें दिखाया जाता है कि जैस्मिन की हालत फिर से खराब हो जाती है क्योंकि उसने अभी अभी अपनी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ को यूज करा है जिसकी वजह से उसका पॉइजन उसकी बॉडी पर हावी होने लगता है। जिसके बाद चीक घबराते हुए उसके पास जाकर उससे बोलता है, तुम अपनी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ को यूज मत करो वरना तुम्हारी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी क्योंकि इस पॉइजन ने तुम्हारे सोल के ऊपर पूरी तरीके से इफेक्ट किया है। जिसको अपने इतना करीब आते देख जैस्मिन उसको दूर हटाती है और बोलती है, दूर हटो मुझसे और अपने काम से काम रखो, तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है। पर ची उसकी बातें इग्नोर करते हुए उससे बोलता है, इतने ज्यादा खतरनाक पेन में होने के बाद भी इतना ज्यादा स्ट्रांग बनने का दिखावा करने की क्या जरूरत है, अगर जो तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो मुझसे बोल दो। और ये बोलते हुए अपने स्काई पॉइजन पर्ल का यूज कर रहा होता है उसको हील करने के लिए। जिसके बाद जैस्मिन बोलती है, भला मैं तुम्हारे जैसे ऑर्डिनरी पर्सन से मदद क्यों मांगू। जिसके जवाब में ची बोलता है, अच्छा ऐसी बात है तो मुझे तुम्हें ऐसी हालत में यहाँ से छोड़ के चले जाना चाहिए क्योंकि तुमको मेरी कोई जरूरत नहीं है। पर तभी जैस्मिन उठकर तुरंत उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसकी उंगली में बाइट करते हुए बोलती है, तुम मुझे मिले तो अनजाने में थे लेकिन अब ये तुम्हारे ऊपर नहीं है कि तुम मुझे अकेला छोड़कर चले जाओगे। और उसकी उंगली के जरिए उसका ब्लड पीने लगती है जिसके वजह से वो थोड़ा थोड़ा हील करना चालू कर देती है। और यहां से सीन चेंज होकर डायरेक्ट 1 घंटे बाद में दिखाया जाता है जहां पर जैस्मिन तो अपना थोड़ा रिकवर कर चुकी होती है। पर जब हमें ची को दिखाया जाता है तो हमें उसकी हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं लग रही होती है और वो जमीन पर पड़ा होता है क्योंकि जैस्मिन ने उसकी बॉडी से सारा का सारा ब्लड सक कर लिया होता है। और वहीं पर कमजोरी में पड़े हुए ची बोलता है, क्या तुम कोई डॉग हो जो तुमने इतनी बुरी तरीके से मुझे काटा। जिसके जवाब में जैस्मिन बोलती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ क्योंकि तुम इतने बड़े यूजलेस हो कि तुम अपने आप को डिफेंड ही नहीं कर सकते और मेरी लाइफ तुम्हारी लाइफ से कनेक्टेड होने के कारण मुझे मेरी परफॉर्मेंस स्ट्रेंथ को यूज कर तुम्हें बचाना पड़ता है जिसकी वजह से मुझ पे मेरे पॉइजन का इफेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और ये बेस्ती सुनकर ची बोलता है, तुम मुझे यूजलेस बोल रही हो, अपने आप को तो देखो, अगर जो मैं ना होता तुम अब तक 2 बार मर चुकी होती, जरा सिचुएशन को देख कर तब अपना बड़ा सा मुंह खोला करो। और इसी तरीके से दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं पर ची उन दोनों की लड़ाई में अपने आप को शांत करते हुए बोलता है, चलो ठीक है मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी प्रोफाउंड वेन्स को हील करने के लिए और जब मैं अपनी प्रोफाउंड वेन्स को हील कर लूंगा तब शायद मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊँ पर अभी मुझे सबसे पहले अपनी प्रोफाउंड वेन्स को हील करना होगा। पर जैस्मिन उसे बताती है, मैंने जब तुम्हारी प्रोफाउंड वेन को देखा कि तुम्हारी प्रोफाउंड वेन्स काफी सालों से डैमेज है जिसकी वजह से अगर जो ये हील भी हो गई तभी भी तुम्हारी कल्टीवेशन लो ही रहेगी क्योंकि उन वेन्स की मदद से तुम कल्टीवेशन में ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। और चीज का जवाब देते हुए बोलता है, तो तुम्हारे आगे का क्या प्लान है, क्या तुम मुझे अपनी पूरी जिंदगी प्रोटेक्ट करते हुए फिरोगी। जिसके जवाब में जैस्मिन बोलती है, जाहिर सी बात है नहीं, पर मैं एक काम कर सकती हूँ कि मैं तुम्हें नई प्रोफाउंड वेन्स दे सकती हूँ, वो प्रोफाउंड वेन्स जिनके अंदर गॉड्स की पावर है। तो बीच में रुकने के लिए माफी चाहता हूँ लेकिन भाई बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियो डेली देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज भाई सब्सक्राइब कर लो, क्या चला जाएगा यार, सब्सक्राइब कर लो और उसके बगल में रखा बेल आइकन। क्या तुम सच कह रही हो, क्या तुम मुझे ऐसी प्रोफाउंड वेन्स में दे सकती हो जिनके अंदर गॉड्स की पावर हो। जिसके जवाब में जैस्मिन बोलती है, मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक करूं, इसलिए मैं सच ही बोल रही हूं। और ये सब सुनकर ची अपने मन में सोच रहा होता है, हालांकि इसके पास कोई रीजन नहीं है कि ये मुझसे झूठ बोले और इसकी पावर कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है। यहाँ तक डिवाइन फिजिशियन का एक डिसाइपल होने के बाद भी जिस पॉइजन से ये सफर कर रही है उस पॉइजन के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता। आर्ची उसकी बात पे एग्री कर जाता है पर तभी जैस्मिन उसके सामने 3 कंडीशन रखती है जिसमें से पहला कि उसे नेदरवर्ल्ड का एक ब्रम्बा फ्लावर ढूंढना होगा और 3 डोमेन प्रोफाउंड बीस्ट के कोर चाहिए, उसके साथ साथ 35 kg पर्पल विंड क्रिस्टल चाहिए। और इतनी सारी हाई फाई कंडीशन सुनकर ची तो खून की उल्टियां करना चालू कर देता है और उसके बाद जैस्मिन के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है, तुम्हें मालूम है तुम क्या बोलियो, मुंह खोलने से पहले सोच लिया करो, तुमको प्रोफाउंड कोर चाहिए वो भी डोमेन प्रोफाउंड रियलम के बीस्ट का, वो भी 3। तुम्हें मालूम भी है पूरे ब्लू वाइन एम्पायर में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो डोमेन प्रोफाउंड रियलम के बीस्ट के साथ फाइट कर सके, और तो और तुम्हें 3 कोर चाहिए, और तो और अगर जो हम पूरे ब्लू वाइन एम्पायर को बेचते तब जाके हमारे पास 35 kg पर्पल वेन क्रिस्टल आ पाएंगे। और रही बात नेदरवर्ल्ड के ब्रम्बा फ्लावर की, वो तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इविल चिलिंग थिंग है और तुम मुझे उसे लाने के लिए बोल रही हो, सीधे सीधे बोल दो कि तुम मुझे मारना चाहती हो, घुमा फिरा के क्यों बोल रही हो, क्योंकि नेदरवर्ल्ड का ब्रम्बा फ्लावर सबसे ज्यादा इविल चिलिंग थिंग है पूरे वर्ल्ड में। जिसके जवाब में जैस्मिन बोलती है, वो मेरी हेडेक नहीं है कि तुम उसे कहां से लेके आओ, इसे मेरा कोई मतलब नहीं है, और अगर जो तुम मुझे नहीं करना चाहते तो मुझे बता दो। जिसके बाद ची हिम्मत करते हुए उसकी बात मान जाता है और उसे बोलता है, ऑफ कोर्स मैं करूंगा, एक यूजलेस बीइंग बनकर पूरी जिंदगी गुजारने से अच्छा है कि मैं ये करते हुए मर जाऊं। जिसका जवाब पाकर जैस्मिन उसको अप्रिशिएट करती है और उसे उसकी दूसरी कंडीशन बोलती है कि उसको उसकी कल्टीवेशन बढ़ाते हुए केवल 30 साल में मास्टर परफॉर्म रेलम तक पहुंचना है। और मास्टर परफॉर्म रेलम का नाम सुनकर ची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी मास्टर परफॉर्म रेलम तक पहुंचने का सपना तक नहीं देखा। फिर बाद में उसकी ये कंडीशन भी मान जाता है लेकिन उससे पूछता है, आखिरकार मेरी इतनी मदद करने का रीजन क्या है। पर जैस्मिन उसकी बातों का प्रॉपर जवाब ना देते हुए डायरेक्ट उसके हर्ट को पकड़ लेती है और हमें दिखाया जाता है ची को जो अपने मन में घबराते हुए सोच रहा होता है कि मास्टर परफॉर्मर रेलम इस वर्ल्ड की टॉप एग्जिस्टेंस है और उस लेवल को अचीव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसकी बॉडी को हमें रिकवर करना होगा। इसका मतलब क्या इसकी पावर मास्टर परफॉर्मर रेलम से भी ज्यादा है, और ये सोचते हुए काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। फिर बाद में अपने आप ही को समझाते हुए बोलता है, ये नामुमकिन है, मुझे लगता है मुझे समझने में कोई दिक्कत हो गई है।
और इस तरफ जैस्मिन उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, तुम किसी छोटी से रीजन की वजह से बहुत ज्यादा घबरा रहे हो, ठीक इसी वजह से मैं तुमको एक ऑर्डिनरी पर्सन बोलती हूँ। और अपनी तीसरी कंडीशन ची को बताते हुए बोलती है, और मेरी तीसरी कंडीशन ये है कि मेरे सामने झुक कर तुम मुझे अपना मास्टर एक्सेप्ट करो। और जैस्मिन की ये बात सुनकर ची का तो मुंह बन जाता है, और जैस्मिन उसका इस तरीके का रिएक्शन देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ तुम्हें कोई इससे दिक्कत है? जिसके जवाब में ची जैस्मिन से पूछता है, जैस्मिन आखिरकार तुम कितने साल की हो? जैस्मिन बोलती है कि मैं रिसेंटली अभी 13 साल की हूँ। और ये सुनकर ची का तो और भी ज्यादा मुंह बन जाता है, और उसके बाद गुस्सा करते हुए बोलता है, तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं तुम्हारी जैसी एक छोटी लड़की को अपना मास्टर एक्सेप्ट करूं? जैस्मिन बोलती है, ये मार्शल आर्ट्स की दुनिया है, और किसी की एज से उसकी ताकत का अंदाजा लगाना सबसे बड़ी बेवकूफी है, और जितना तुम सोच रहे हो मैं उससे कई ज्यादा ताकतवर हूँ। जी उसके सामने से मुंह फेरते हुए बोलता है, ठीक है मैं तुमको अपना मास्टर बनाने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे घुटनों पर आकर झुकने के लिए मत बोलना। जैस्मिन पूछती है, आखिर ऐसा क्यों? जिसका जवाब देते हुए ची बोलता है कि मैं सिर्फ अपने एल्डर्स, अपने बेनिफिक्टर और अपनी वाइफ के सामने ही सिर्फ झुकता हूँ, और तुम्हारी जैसी एक छोटी सी लड़की के सामने झुकना मेरी डिग्निटी इसके लिए मुझे अलाउ नहीं करती। और जैस्मिन ची के मुंह से ये बात सुनकर एक इवल सी स्माइल करती है, और हंसते हुए ची के कंधे पर हाथ रखती है, जिसकी प्रेशर की वजह से ची तुरंत ही अपने घुटनों पर आ जाता है, और ची उसकी प्रेशर के अंडर में बैठा ये सोच रहा होता है, आखिरकार ये कितनी स्ट्रांग है कि इसकी प्रेशर के अंडर में आने के बाद मैं अपनी बॉडी को हिला तक नहीं पा रहा। और जैस्मिन उसके ऊपर प्रेशर डालते हुए बोल रही होती है, हार मान जाओ, आखिरकार तुमने मेरे सामने नील तो कर ही दिया है, बस एक बार मेरे सामने झुक के मुझे अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लो, जिसके बाद मैं तुम्हारे प्रोफाउंड मेरिडियंस को ठीक तो कर दूंगी, उसके साथ साथ मैं तुम्हारी पूरी कल्टीवेशन में तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। जिसके जवाब में ची बोलता है, गिव अप कर दो, मैं तुम्हारे सामने झुकूंगा नहीं, और रही बात तुम्हारी प्रोफाउंड मेरिडियंस की, मुझे वो भी नहीं चाहिए। और ये बात सुनकर जैस्मिन उसके कंधे पर अपना पैर रखती है और प्रेशर करते हुए और ची को उसके सर के साथ वहीं पर जमीन पर दे मारती है, जिसकी वजह से ची वहीं पर जैस्मिन के सामने अपना सर झुका देता है। जिसके बाद जैस्मिन उसको बताती है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास डिग्निटी तुम्हारी रेपुटेशन है, तो तुम गलत हो, क्योंकि इंसान की डिग्निटी उसकी पावर उसके बैकग्राउंड पर डिपेंड करती है, और तुम्हारे पास दोनों ही नहीं है, तो बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो, क्योंकि हालांकि मैं तुम्हें मार नहीं सकती क्योंकि हम दोनों की सेम लाइफ है, पर मैं तुमको अधमरा कर यहाँ पर डाल दूंगी, और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे अपने बचाने के लिए, और इसके जिम्मेदार तुम खुद ही होगे, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पावर ही मैटर करती है और कुछ नहीं। और जैस्मिन की ये बात सुनकर ची को रियलाइज होता है कि वो उस चीज को बचा रहा था, उसको बचाने का उसके पास कभी हक ही नहीं था, और अगर जो उसको अपनी डिग्निटी और अपने लव्ड वन को बचाना है तो उसको उतना पावरफुल होना जरूरी है। और उसके बाद जैस्मिन उससे बोलती है कि आज से मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, और तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछने के लिए तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। जिसके जवाब में ची बोलता है कि नहीं मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, और जब सर उठाता है तो उसको कुछ और ही नज़ारे दिखते हैं, और ये नज़ारा मुझे बताने की जरूरत नहीं कि क्या होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम समझदार हो, समझ गए होगे। और ये देख कर कि ची ने सब कुछ देख लिया, जैस्मिन काफी ज्यादा शर्मा जाती है और काफी तेजी से उससे दूर हट जाती है, और ये देखकर ची हंसते हुए अपने कपड़े झाड़ते हुए उठता है। जैस्मिन उससे बोलती है कि यहाँ पर तुमने जो कुछ भी देखा भूल जाना उसे, और अगर जो हम दोनों की जिंदगी सेम ना होती तो मैं इस बात के लिए तुमको अब तक मार चुकी होती। लेकिन ची उसको चिढ़ाते हुए बोलता है कि मुझे माफ करना, मेरी आंखें थोड़ी कमजोर हैं, इसलिए वहां पर मैं कुछ नहीं देख पाया। और अपने आप को चिढ़ाता देख जैस्मिन को काफी ज्यादा गुस्सा लगती है, और वो ची को धोकर रख देती है वहां पर। जैस्मिन बोलती है कि हालांकि हम दोनों की जिंदगी सेम है, इसकी वजह से मैं तुमको जान से नहीं मार सकती, पर मैं तुमको पीट तो सकती हूँ, और ये किसी इंसान को मारने से ज्यादा सुकून देने वाला है, पर तुमको पीटने से पहले मुझे अपनी पावर्स को कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल पड़ जाता है। जिसके बाद ची बोलता है, मुझे जान से ना मारने के लिए थैंक यू, और क्या तुम अब मुझे मेरी परफॉर्मेंस दे सकती हो? जिसकी बात सुनकर जैस्मिन अपनी उंगली से एक चमकती हुई चीज निकालती है, और वो चमकती चीज एक ब्लड के ड्रॉप में चेंज हो जाती है, और ची उससे पूछता है, आखिरकार ये ब्लड का ड्रॉप किसका है? इसके बाद जैस्मिन उसको बताती है कि इसके बारे में एंशियंट बुक में रिकॉर्ड है कि एंशियंट टाइम में इस जगह का लास्ट ट्रू गॉड जमीन पर आया था, जिसको सब इविल गॉड के नाम से जानते हैं। वो गॉड जब जमीन पर आया था तब उसने अपने पीछे अपना एक ब्लड छोड़ दिया था, जिसको सब अनयील्डिंग ब्लड के नाम से जानते हैं, और ये वही ब्लड है। और अगर जो कोई भी एक पर्सन इस अनयील्डिंग ब्लड को अपने बॉडी में इंसर्ट करने के बाद इसको रिफाइन कर ले,
तो उसकी प्रोफाउंड वेन में इविल गॉड्स की पावर आ जाएंगी। और एक महीने पहले किसी ने उस जगह को ढूंढ लिया जहां पर पहली बार इविल गॉड गिरा था, और उस जगह पर काफी ज्यादा कल्टीवेटर पहुंच कर इस ब्लड के लिए लड़ना चालू कर दिए, और सबसे आखिरी में ये ब्लड मेरे हाथों में लग गया। उसके बाद ची बोलता है, अच्छा तो ये वजह थी कि तुम इतनी ज्यादा घायल और पॉइजन से इफेक्टेड थी, क्योंकि तुम इस अनयील्डिंग ब्लड के लिए वहां पर फाइट कर रही थी, और इतनी खास नजर तुम आखिरकार मुझे क्यों दे रही हो। इसके जवाब में जैस्मिन बोलती है, जितना तुम सोच रहे हो ये उतना भी खास नहीं है। और तभी जैस्मिन काफी तेजी से बढ़ती है और उस ब्लड को ची के हार्ट में इंसर्ट कर देती है, जिसकी वजह से ची की मेरिडियंस हमें साफ साफ दिखाई पड़ने लगती है। और उस ब्लड को रिफाइन करने में ची को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद जैस्मिन उसको बताती है कि उसने इस ब्लड को यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि इसका एक साइड इफेक्ट है कि ये उस पर्सन की पूरी प्रोफाउंड वेन्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद अपनी खुद की नई प्रोफाउंड वेन्स बनाना चालू कर देता है, और ये प्रोसेस काफी ज्यादा पेनफुल होता है। और तो और मेरे लिए मेरी प्रोफाउंड वेन्स को और मेरी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ को खोना सही नहीं था, और इसको रिफाइन करने के बाद मुझे अपनी कल्टीवेशन को स्टार्टिंग से चालू करना पड़ेगा, तो ये तुम्हारे लिए सूटेबल है। और इस तरफ ची दर्द में काफी बुरी तरीके से करा रहा होता है, लेकिन जैस्मिन उसकी सिचुएशन का मजा लेते हुए कहती है, अरे प्रोफाउंड वेन्स का पेन काफी ज्यादा होगा, जो काफी ज्यादा डरावना है, और अगर जो दर्द के कारण तुम यहाँ पर चीखना चालू करोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ जाऊंगी, लेकिन पर मेरी हेल्प करने की वजह से इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। लेकिन ची दर्द में होने के बाद भी उसकी मदद लेने से उसे मना कर देता है, पर जैस्मिन उसकी सिचुएशन का और भी ज्यादा मजे लेते हुए बोलती है, मैंने सुना नहीं, जरा जोर से बोलो, से यहाँ पर भीख मांगो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। और अपने मन में बोल रही होती है कि तुमसे किसने कहा था मेरी वहां पर झांकने के लिए, पर ची दर्द में चीखते हुए उससे बोलता है, मुझे जरूरत नहीं तुम्हारी मदद की, अगर जो इस दर्द की वजह से मैं प्रोग्रेस करूंगा, मेरी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मैं स्ट्रांग बनूंगा, तो ये दर्द मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और तो और ची इतने ज्यादा दर्द में हंसते हुए बोलता है, और तो और मैं यहाँ पर अपनी बॉडी में अपनी बहती हुई पावर्स को भी फील कर पा रहा हूँ। जैस्मिन ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि ची एक ऑर्डिनरी पर्सन होने के बाद, एक साधारण सा इंसान होने के बाद भी कि उसके पास इतनी खतरनाक डिटरमिनेशन है कि वो इतने इंटेंस पेन के बीच में भी स्माइल कर सकता है। ची बोलता है, खाली न्यू प्रोफाउंड वेन्स मेरे लिए काफी नहीं होंगी, और ये सब बोलते हुए अपनी सिल्वर नीडल्स के बॉक्स को भी बाहर निकाल लेता है। मुझे सिर्फ गॉडली पावर्स वाली वेन्स नहीं चाहिए, मुझे इतनी पोटेंशियल चाहिए कि मैं गॉड के खिलाफ भी जा सकूं। और अपनी सिल्वर नीडल्स को बाहर निकालते हुए अपने हाथ में रख लेता है, जिसको देखकर जैस्मिन उससे पूछती है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो। पर ची जैस्मिन की बातों को इग्नोर करते हुए अपनी सिल्वर नीडल्स को अपनी बॉडी पर चुभाना चालू कर देता है, और जिस तरीके से उसने कुंग्यू की वेल्वस को ओपन किया था, उसी तरीके से अपनी वेल्वस को फोर्सली ओपन करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से ची का ऑरा काफी तेजी से उसकी बॉडी से फ्लक्चुएट होते बाहर निकलने लगता है, जिसकी वजह से ची की वेल्वस काफी तेजी से ओपन होना चालू हो जाती हैं। और ये देखकर जैस्मिन का मुंह हैरानगी के मारे खुला ही रह जाता है। जैस्मिन अपने मन में सोच रही होती है, असल में ये अपनी प्रोफाउंड वेल्वस को फोर्सली ओपन कर रहा है, और जितनी ज़्यादा इसकी प्रोफाउंड वेल्वस होंगी उतनी ज़्यादा इसकी पोटेंशियल होगी। और जैस्मिन अपने मन में सोच रही होती है, असल में मैं भी यही करने वाली थी इसके बाद, पर मुझे इसकी प्रोफाउंड वेल्वस को ओपन करने में लमसम 10 से ज़्यादा साल लग जाते हैं, पर ये किसे पता था कि ये अपने मन से ये चीज़ कर सकता है और इतनी तेजी से कर सकता है। और यहाँ से सीन चेंज होने के बाद एक घंटे के बाद में आता है, और इस तरफ जैस्मिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो रखी थी कि उसने एक घंटे में पूरी की पूरी 54 वेल्वस को ओपन कर दिया है। और जैस्मिन ची से पूछती है, ची तुम्हारी ऑल ओवर पूरी की पूरी वेल्वस ओपन हो चुकी हैं, क्या ये भी स्काई पॉइजन पर्ल की स्किल्स में से कोई एक है। जिसके जवाब में ची उससे बोलता है, मुझे मालूम है स्काई पॉइजन पर्ल मेरी कल्टीवेशन स्पीड को थोड़ी ज़्यादा स्पीड में इंक्रीज कर देता है, और रही बात इस वेल्वस के ओपन करने के मेथड की, ये तो मुझे आधा था, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि मैं एक मार्शल फिजिशियन हूँ। पर जैस्मिन उससे बताती है कि अभी तुमने जिस प्रोफाउंड वेन को इनहेरिटेड किया है, उस प्रोफाउंड वेन की 7 स्टेजेस हैं, और इसे इनहेरिटेड करने के बाद तुम्हारे पास इविल गॉड की एक स्किल है जिसको इविल गॉड फार्मूला कहते हैं, जो इस वक्त तुम्हारी प्रोफाउंड वेन्स में है, और तुम्हारी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ का एलिमेंट भी चेंज हो चुका है इसको इनहेरिटेड करने के बाद। और यहाँ पर जैस्मिन हमें एलिमेंट से रूबरू कराती है कि कुंग्यू की तरह के कल्टीवेटर जो आइस एलिमेंट को यूज करते हैं उनका एट्रीब्यूट आइस होता है, और फायर एलिमेंट के प्रोफाउंड स्किल को यूज करने वाले लोग फायर एट्रीब्यूट के होते हैं, और तुम्हारा जिसके पास इविल गॉड फार्मूला है तुम्हारा एट्रीब्यूट बेजर्क है। पर ची जैस्मिन से पूछता है, आखिरकार ये बेजर्क एट्रीब्यूट है क्या, और इन 7 स्टेजों को कैसे यूज करना है। वीडियो की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अनलिमिटेड ब्लड की 5 स्टेजेस हैं, और
इविल गॉड फार्मूला की भी यहाँ पर 5 स्टेजेस है, जिनमें से पहले का नाम फायर लॉर्ड, दूसरे का नाम हेल फायर, तीसरे का नाम हेवनली एक्सप्लोजन, चौथे का नाम फ्लेमिंग हर्ट और पांचवे का नाम इविल सोल। ये 5 स्टेजेस है इविल गॉड फार्मूला की। जैस्मिन बताती है कि तुम जितनी बार इनमें में से किसी नए स्टेज पे पहुंचोगे उतनी बार तुम्हारी पावर्स टेरिफाइंगली इंक्रीज होंगी। और ये बात सुनकर ची एक्साइटेड होते बोलता है, अगर जो ऐसा है तो मैं इनमें से एक को अभी एक्टिवेट कर लेता हूँ। जैस्मिन बोलती है कि अगर जो तुम इसको एक्टिवेट करोगे तो फिर यहीं पर एक्सप्लोड होकर मर जाओगे, क्योंकि तुम्हारी अभी बॉडी इतनी कैपेबल नहीं है कि इन स्टेजों में से किसी भी एक को हैंडल कर पाए। और आज मैंने बहुत ज्यादा अपनी परफॉर्मेंस स्ट्रेंथ को यूज कर लिया, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा थकान हो रही है, इसलिए मैं रेस्ट करने के लिए अपने स्काई पॉइजन पॉड में जा रही हूँ। और ची से बोल के जाती है कि 3 दिनों के लिए उसको डिस्टर्ब ना करे। और बेचारा ची पीछे खड़ा पूछता रह जाता है कि जैस्मिन तुमने बोला था कि तुम प्रिंसेस हो, क्या तुम मुझे बताओगे कि वो एक्चुअल जगह है कहाँ पर? पर जैस्मिन उसकी बातों पर रिस्पांस नहीं करती और वो उसको पुकारता ही रह जाता है। बाद में ची बोलता है चलो कोई बात नहीं, आगे का स्टेप्स मुझे मालूम है, मुझे अपने आप को कैसे ट्रेन करना है और मेरी कल्टीवेशन जर्नी इस क्रिम्सन ड्रैगन क्लिफ से चालू हो जाएगी। और यहाँ से सीन चेंज होकर डायरेक्ट 7 दिन बाद पर आता है, जहाँ पर जैस्मिन अपने स्काई पॉइजन पर्ल में रेस्ट कर रही होती है। और उसके रेस्ट के बाद वो अपनी आंखें खोलती है और अपने स्काई पॉइजन पर्ल से बाहर आ जाती है। उबासी लेते हुए बोलती है मैंने सिर्फ 3 दिन का रेस्ट लेने के लिए बोला था पर मुझे 7 दिन लग गए और मुझे नहीं पता कि आखिरकार वो लड़का इस वक्त क्या कर रहा होगा। और हमें दिखाया जाता है चीकू जो वहाँ पर फाउंटेन के पास खड़ा होता है और वहाँ से फाउंटेन के अंदर एंटर कर जाता है, पर उस फाउंटेन के प्रेशर के कारण वो वहीं पर ही गिर जाता है। और ये देखकर जैस्मिन घबराते हुए उसके पास आती है और उससे बोलती है ची तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम अपने आप को मारना चाहते हो? तुम अभी सिर्फ एलिमेंट्री परफॉर्म रियलम के पहले स्टेज पे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरीके के वाटर प्रेशर में तुम सर्वाइव कर सकते हो? और वहाँ पर बेचारा ची घायल पानी में पड़ा उसकी सारी बातें सुन रहा होता है और जैस्मिन उसकी हालत देखकर उसके पास आती है और उसकी मदद के लिए उसके पास बढ़ती है, पर ची उसको मना कर खुद ही से उठ जाता है और उस फाउंटेन से भी बाहर आ जाता है। जैस्मिन उससे पूछती है क्या तुम इतने दिनों से इसी खतरनाक मेथड से ट्रेनिंग कर रहे थे? ची बोलता है हाँ मैं इतने दिनों से इसी मेथड से ट्रेनिंग कर रहा था। जैस्मिन बोलती है तुम्हें लगता है क्या फाउंटेन में सिर्फ और सिर्फ पानी है? अगर जो उस पानी के साथ एक पत्थर का टुकड़ा तुम्हारी बॉडी के ऊपर गिरा वो तुम्हारी बॉडी को 2 टुकड़ों में बांट देगा। आखिरकार तुम इतनी खतरनाक ट्रेनिंग किस लिए कर रहे हो? ची बोलता है क्योंकि मुझे पावरफुल बनना है, इतना पावरफुल कि मैं अपने लव्ड वन को प्रोटेक्ट कर पाऊँ जिनसे मैं प्यार करता हूँ, क्योंकि इससे पहले मेरी प्रोफाउंड ब्रेन के डैमेज होने की वजह से मेरे पास कोई आस नहीं थी कि मैं अपने फ्यूचर में कल्टीवेशन कर पाऊंगा, पर तुमने मुझे वो नई प्रोफाउंड ब्रेन देकर वो आस दी, इसलिए मैं अपने आप में जरा सा भी आलस नहीं दिखाना चाहता। जैस्मिन बोलती है अगर जो तुम्हारी ऐसी मर्जी है तो फिर मैं तुम्हारी ट्रेनिंग के बीच में नहीं आऊंगी, पर मुझे तुमसे थोड़ा काम था, मेरे पास कपड़े नहीं है इसलिए मुझे कपड़े खरीद के दो, मेरी अंडरगारमेंट्स और बाकी एसेंशियल चीजें जो मुझे चाहिए। ची बोलता है आखिरकार तुम्हें कपड़े की जरूरत क्या है? मुझे लगता है कि तुम इस आउटफिट में काफी ज्यादा अच्छी लगती हो और इतनी गर्मी में इस आउटफिट में काफी ज्यादा ठंडा महसूस होता होगा। और ये बोलते हुए जैस्मिन की तरफ देखने लगता है, जिस पे जैस्मिन उसके ऊपर गुस्सा करते हुए बोलती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, इसमें ठंडक कैसे महसूस होगी? तुम गधे तुम मुझे यहाँ पर अब सब बातें क्लियर ही कर दो, आखिरकार इस आउटफिट में ठंडक कैसे महसूस होगी? जिस पे ची घबराते हुए उससे बोलता है ठीक है मैं तुमको दिला दूंगा, जब मेरी प्रोफाउंड वेन्स पूरी तरीके से रिकवर हो जाएंगी हम ये लेने के लिए सिटी में जाएंगे, ठीक है? के बाद ची जैस्मिन से पूछता है जब तुम स्काई पॉइजन पॉड में जा रही थी तब मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा था, क्या तुम किसी कंट्री की प्रिंसेस हो? जैस्मिन बोलते है कि हाँ मैं प्रिंसेस हूँ पर मैं किसी कंट्री की प्रिंसेस नहीं हूँ, और जहाँ की मैं प्रिंसेस हूँ वह जगह यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, इतनी दूर कि तुम कभी भी वहाँ पर नहीं पहुँच सकते। ची बोलता है लगता है वो जगह यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, तो तुम इस फ्लोटिंग क्लाउड कॉन्टिनेंट में कैसे आ गए? क्या किसी ने तुमको यहाँ तक पीछा किया जिसकी वजह से तुमको यहाँ पर आना पड़ा? जैस्मिन बोलती है जो लोग मुझे मारना चाहते थे वो लोग कब के मर चुके हैं, और रही बात उस पॉइजन की मुझे नहीं मालूम आखिरकार उन लोगों ने मेरे ऊपर उस फॉरबिडन पॉइजन का यूज कब किया, और मैं यहाँ पर इविल गॉड के मैनर की सील को देखने के लिए यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि इविल गॉड की पांचों सेक्रेट एरिया इस फ्लोटिंग क्लाउड कॉन्टिनेंट में है, जिनमें से एक ब्लू एंड एम्पायर में है, और मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इविल गॉड की मेमोरीज में है कि इस प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट को इविल गॉड ही ने बनाया था। सो वीडियो को करता हूँ मैं यहीं पर एंड, और आगे के एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होगा, क्या हमारा ची इन सेक्रेट प्लेसेस पे पहुंच पाएगा। जानने के लिए बने रहे अगे इस द सुप्रीम गॉड के एपिसोड पर, जिसके लिए आपको मेरे चैनल प्रोफाउंड मांगा को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। राधे राधे।